वालेकुम भाई, ऐसा मेरे ससुराल वाले मैं अलग रहती हूँ, आके मेरे को घर में घुस के हमारी ननन ननन की सास हमारे शोहर ना मारे और हमारे शोहर वलीमे के वास्ते किसी से 1 लाख का कर्जा लिए थे, वो कर्जा नहीं दे रहे तो 4-4 दिन को टॉर्चर करके हमारी घर जिंदगी में आग लगा। आपका नाम क्या है माँ? मेरा नाम मोहम्मद ईजान है, हमारे शोहर का नाम मोहम्मद साजिद। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ना जहांगीराबाद के रहने वाले, हमारे ससुराल वाले। आपका पीएस कौन सा लगता? नगर में रहते थे, मेरे घर के पीछे चाहे मैं सास लोग, हमारे देवर इमरान बाहर रहते, इमरान टॉर्चर करते, थोड़े दिन को फोन करके हमारे शोहर को सिखाते, भाभी को लेके 4 महीने में अलग हो गए, मारना पीटना लेके आना करना बोलते, हमको रिश्ते देखना है बोल के। हमारा देवर इरफान है बच्चा, वो भी मेरे को टॉर्चर करता, हमारे मरद को कहता कि भटका था मेरे बारे में, और मैं बांझ हूँ बोल के मैंने ना 8 दिन पहले लड़के बोले तुम औलाद। आपकी शादी हुए कितना अरसा हुआ? 1 साल हो रहा मेरी को शादी हुई। आपको औलाद नहीं? 29 जुलाई को 1 साल हुआ मेरे को। 2 अमलन ठहरे साहब, एक अमल है मैंने ननन पेट पे मार के गिरा डाले, एक अमल मेरा धड़कन में कमी साफ हो गया। आज मेरे घर में आए लोग खर्जे के बारे में बात करने आए थे, तो मैं शोहर बोले मैं मजदूर पेशा आदमी हूँ, काम आने चल रहे हैं, मैं घर चला रहा हूँ, घर का किराया दे रहा हूँ, इतना छोटा नहीं होता बोले तो वो बहेजों में मैंने ननन पलंग पर ढकल दिया, उनकी सास भी मारे ननन की, उन्होंने भी मारे, हमारे शोहर मेरा हाथ मोड़ के मारे, बाहर 4-4 दिन को पैसों की आके लया रहे। सबसे बड़ी वजह हमारी सास है, करके लेके गए हो तो बहुत बातें करे, लेकिन एक बार आके ने पूछ रही भाया भाया इससे पहले मार लिए घर में, पूरे बस्ती वाले देखे, जब भी हम जिंदगी है बल्कि एडजस्ट कर लिए भैना मेरे को उठने के, बल्कि मैं हमेशा खर्च बैठ जा रही हूँ, मेरे को इंसाफ होना बस, और हमारे ससुराल वालों को आप ना अंदर बुला के केस करो। ये 3 देवरा और हमारे बड़े जेठ नदी है, उन्होंने भी हमारे शोहर को इससे पहले मेरे को भी गाली गलौज करके गए। ससुराल वाले कहाँ के आप? हमारी जिंदगी में टॉर्चर करते रहता हूँ, और सास बड़ी ननन और नंदोई करीम भजन। क्या नाम है उनका? करीम नाम है उनका ननन का, ननन के शोहर का, नंदोई का। पूरे मिलके मेरे को परेशान कर रहे हैं, मैं मेरे शोहर खुश भी रहे तभी थोड़े थोड़े दिन को लड़ाई लगा रही, मारो बोल रही, वो करो बोल रही, और थोड़े दिन पहले लारी भेजते सामान ले लेके आओ, बीवी को मार के लेके नहीं आ सकते क्या बल्कि 4 दिन पहले बहस करे, मैं बोली जिंदगी है चलते रहता छोड़ो, बल्कि अम्मी लोगों को भी नहीं सुनाती, मैं मेरा खुद भी परेशानी रहती, मैं बहना बैठे हुए बल्कि सामान लेती, मैं कल ना मेरा वो नाजायज फायदा उठा रही, हमें परसों पेट से थी तो ना बोले रखा फर्जे आम लेके मेरे का साफ कराए, ऐसा भी करे वालिद साहब हमारे हार्ट पेशेंट है, अम्मी को बीपी शुगर है हमारे, कितना मुश्किलों में हम लोगों को मालूम, तभी ना ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, उन्ना मेरे को अलग लेके रहते समझ रहे हैं, मगन पैसा है समझ रहे, हम नहीं रहा तो नहीं खा के भी सो जाते साहब, जिंदगी है बोल के शादी करके दिए निभाना बोल के हम जिंदगी को निभा रहे हैं, ऐसा करें, और सास को तो अपना मारा खिलाओ, सास हमारे सबसे ज्यादा बदमाश है। हाँ बीच कराए हम 9 दिन से तो नहीं कराए थे, जिंदगी सास देखने को उम्रे को जाते हैं, एक से एक बात बोलते मेरे को बांझ है बोलते, हिजड़ी है बोलते, मेरे को ना औरत है बोलते, क्या क्या कुछ बोलते, घर में बैठ के आग लगाते रहते गली के पीछे घर ली अब तो नो, एक मिनट इससे पहले मेरे को मार के बेहोश कर दिया, इधर में मैं बेहोश हो गई, मेरे को 2 घंटे तक पता ही नहीं चला मैं होश में थी नहीं थी, होश आया तो हमारी छोटी बहन को घर फोन लगा के बोली मैं अलग रह जाती हूँ घर दोनों। अब आपको कहाँ पर मारा है उन लोगों? अभी ये पूरा हाथा काम नहीं कर रहे, मेरे झुक रहे ने उंगलियां, हड्डी टूट रही, कुछ भी काम नहीं कर रहा, और हमारा शोर सबसे बड़ी बात क्या बोल रहा साहब, उनके बहनों को बचाने के वास्ते तुम कितने भी लोगों में जाओ, मैं मेरे बहना अम्मा ने मारे बोल के मैं खुद खिलाफ होकर बोलता हूँ रही, मगर उन बहनों को अम्मा को बचाने कर रही, उन्होंने देख के भी उन्होंने कच्चू बढ़ जा रहे, अम्मा बहनों का नखो जाओ नखो जाओ रही, हमारी ननन भी मारी, नंदोई भी मारा, नंदोई सब जने ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, तो हमारे शोहर ये बोल रहे हैं बार बार जिंदगी करना है अम्मा बहनों में नखो बोलो, मैं तो तुम्हारा मार रहा हूँ, फिर ना बोल क्या उन्होंने भी मारना शुरू कर रही, इन लोग ऐसी हरकत करने से। अब मेरे को शादी करे ऐसे टॉर्चर वगैरह, मैं 20 दिन की दुल्हन थी, मेरा सोना हमारे सास में अलमारी में रखती, तुम घुमा लेंगे नहीं नहीं दुल्हन तो सास है बल्कि भरोसा से, तो बच्ची भी मैं रहन में रखा दिए, मेरे को बोले नहीं किसी के प्रॉमिस के रसम में जाना था, तो मैं बोली दियो बोले तो मैं रहन डाल दी, तुम्हारे शोहर के खर्चे हमारे थे बल्कि बोले छुड़ा के लाते, 3 महीने में बोला फर्नीचर का काम करते हैं मिला तो कर लेते नहीं, ये घर जिंदगी है, घर जिंदगी है बल्कि भैना बैठे हुए बल्कि मैंने करी तमाशे कहीं कुछ बोल के उन लोग आज मेरे हाथों में चुड़ा के मरद से उल्ला खुद मारे ना, तो मरद के सामने मरद भी हमारे मारे ऐसा करे, और ना क्या बोल रहे बोले तो थोड़े थोड़े चीज़ बोल रहे, मैं बांझी चूँ ज़्यादा बोल रही, और ये टॉर्चर कर रहे, मेरे को पढ़ी लिखी नहीं है बल्कि हमारे अम्मा बाबा करे थे बच्चे कुरान शरीफ पढ़ने आता बोले थे, तो 10 क्लास उनका बेटा पढ़े हुआ है बल्कि ना जाम कर रहे मेरे ऊपर, फर्नीचर का काम है हम जाती घर वाले बोल रहे, एक मिनट 4 जने थे ना पूरे 4 जने आके मैं घुस के मारे, हमारा जेठ भी अंदर आने वाला था उस समय, मैं चीखा हमारे तो बाजू पर जमा होते जेठ अंदर नहीं घुसे, मेरे को ये इलाही मस्जिद की गली में लगती में किराए से, हम लोग पूरे मिलके करे मेरे को ये तमाशा बोलना, जाते कि मैं फोन करी शोहर को टाटा ब्लॉक को भेज के मैं फोन करी, एक मिनट आप बोलिए, वहाँ से